बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपके पास एक्सरसाइज 2.6 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.6 है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आज पता होना चाहिए आपको कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स कितने भी हों आपके पास मगर उनकी एक्सपोनेंट 1 हो, ठीक है। वेरिएबल्स कितने भी हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनकी एक्सपोनेंट क्या हो, 1, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती हैं, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल a1x plus b1y is equals to k1, a2x plus b2y is equals to k2, and a1x plus b1y plus c1z is equals to k1, a2x plus b3y plus c3z is equals to k3। अब आपके पास क्या सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। अब कलेक्शन दो और दो से ज़्यादा लीनियर जो है ना इक्वेशन हो सकती हैं, और वेरिएबल भी देखें दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, या दो वेरिएबल्स हैं दो इक्वेशंस हैं, या थ्री वेरिएबल्स हैं थ्री इक्वेशंस हैं, ठीक है। आर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू और थ्री वेरिएबल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आगे आपसे कह रहे हैं एन ऑर्डर ट्रिपल। अब ऑर्डर ट्रिपल है टी वन टी टू टी थ्री इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ गिविंग सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स। इफ ऑल इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाई दीज वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पर आपसे सिंपली कह रहे हैं कि भाई जो है ना इसका जो तीन वेरिएबल्स है ना, अब आपने क्या किया ऑर्डर फाइंड किया, ठीक है। ट्रिपल थ्री वन टी टू थ्री थ्री हमने एक ऑर्डर जो है ना वो कर लिया लाइट, ठीक है। यहाँ पर इन जनरली बात हो रही है, ठीक है। और अगर आपके पास ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये आपके पास इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब मजीद आपसे कह रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू एंड थ्री अननोन्स। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क करना है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस है टू और थ्री अननोन्स की। अब होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को आपने एक ही फ़र्क आपने याद रखना है, उससे आपको बड़ी आसानी से याद भी रहेगा, ठीक है। अगर इक्वेशन आपके पास, ठीक है, आपके पास इक्वेशन में जो भी यहाँ पर दिए में हैं वेरिएबल्स वो आ जाए इक्वल ज़ीरो के, किसके इक्वल आ जाए आपके पास ज़ीरो के, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस होती है। और अगर वो बराबर आ जाए किसी भी नंबर के, 2, 4, 6 या 0, 0, 2 या 1, 0, 2 या 2, 0, 0, तो ऐसी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो जाती है, सिंपल। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब से कह रहे हैं कंसिडर सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। अब आपने कंसिडर करना है थ्री लीनियर इक्वेशंस को तीन वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लिया a11x1 a12x2, अब a13x3, तो ये सारे आपने ले ली b1 b2 b3 के इक्वल है। द सिस्टम वन कैन बी रिटन एज, अब सिस्टम वन को लिख सकते हैं हम ax बराबर है b के। अब a क्या है, x क्या है और b क्या है, तो देखें a आपके पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास कोफिशेंट ऑफ x1 x2 x3 हैं, x1 x2 x3 के कोफिशेंट्स हैं, एंड x ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास वेरिएबल है x1 x2 x3, और b ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आपके पास इक्वल के बाद थे, ठीक है। तो a x किसके बराबर है, b के बराबर है। ए एक्स किसके बराबर है, b के बराबर है। आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया इक्वेशंस को। अब आपसे कह रहे हैं द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशेंट। ये मैट्रिक्स ये कहलाएगी कोफिशेंट की मैट्रिक्स। सिस्टम x इज द कॉलम मैट्रिक्स, x एक कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ अननोन्स, अननोन्स की जिनको आपने फाइंड करना है ये वो अननोन्स है। एंड b इज द कॉलम मैट्रिक्स, b कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स की। इन द अबव सिस्टम टू इफ b इक्वल टू जीरो, अब आपके पास इसके लिए b अगर क्या होता, ज़ीरो के इक्वल होता, देन द सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो सिस्टम क्या कहलाता, भी मैंने आपको बताया अगर ये सारे ज़ीरो होते तो सिस्टम होमोजीनियस हो जाता, ठीक है, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। और अगर ये ज़ीरो ना हो तो ये क्या है आपके पास, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन -3x1 + 2x2 = 0, 7x1 - 5x2 = 13। अब आपके पास ये टू वेरिएबल्स की दो इक्वेशंस हैं, तो ax बराबर है b के, तो a बराबर है -3, 7, 2 - 5, और x बराबर है x1 x2
बी बराबर है 0, 13 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, थस द सिस्टम इज अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सिस्टम क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, इन टू अननोन्स, और टू अननोन्स का है। सिमिलरली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक और आपको एग्जांपल दी हुई है, x1 + 7x2 - 3x3 = 0 के, 11x1 - 5x2 + 2x3 = 0 के, -x1 + 2x2 + 3x3 = 0 के, कैन बी रिटन एज ax = b। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 11 - 1 7 - 5 2 - 3 2 3। x बराबर है आपके पास x1 x2 x3 के, कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, और b मैट्रिक्स है 0 0 0, b इक्वल्स टू 0, सो हैंस इट इज अ होमोजीनियस सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम होगा? होमोजीनियस, ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस विथ थ्री वेरिएबल्स या थ्री अननोन्स। होमोजीनियस सिस्टम है, थ्री लीनियर इक्वेशंस है और थ्री ही अननोन्स हैं, ठीक है। अब आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस समझ आ गया, टू वेरिएबल और थ्री, टू अननोन्स या थ्री अननोन्स का, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं सॉल्व अ सिस्टम ऑफ थ्री होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री अननोन्स। अब आपने थ्री होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को थ्री अननोन्स के साथ दिया गया है, ये आ गई होमोजीनियस, ठीक है। और होमोजीनियस क्यों? क्योंकि इक्वल टू जीरो है और थ्री है, थ्री अननोन्स है और थ्री ही इक्वेशंस हैं। ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमेशा सेटिस्फाई करेगी, एक्स भी जीरो आएगा, वाई भी जीरो आएगा और जेड भी जीरो के इक्वल आएगा। तो द सोल्यूशन 0 0 0 ऑफ द अबव सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैवल सोल्यूशन। अगर आपके पास जीरो के इक्वल आ जाए, यानी कि आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन हो, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो, तो आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा? आपके पास जीरो आएगा। ऐसा सोल्यूशन ट्रैवल सोल्यूशन कहलाता है और जीरो सोल्यूशन कहलाता है। एनी अदर नॉन जीरो सोल्यूशन, कह रहे हैं आपके पास अगर नॉन जीरो सोल्यूशन आ जाए, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन ट्रैवल सोल्यूशन। और अगर ये जीरो के इक्वल ना हो, यानी ये जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, तो आपके पास नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा और ऐसा सोल्यूशन आपके पास कहलाएगा नॉन ट्रैवल सोल्यूशन। क्लियर है? अगर जीरो है तो आपके पास जीरो आएगा सोल्यूशन, और ऐसा सोल्यूशन ट्रैवल सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन कहलाएगा। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन आए तो ऐसा सोल्यूशन आपके पास सिस्टम का नॉन ट्रैवल सोल्यूशन कहलाएगा। वी यूजली कन्वर्ट द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टू इक्लॉन फॉर्म। हम क्या करते हैं? हम हमेशा मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इक्लॉन फॉर्म में आपको समझा चुकी थी, इक्लॉन फॉर्म क्या होती है? आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 1 हो रॉ का, बाकी जो हैं तमाम आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलें 2 है या 1 है, ठीक है, या इधर ले लें 4। यहाँ पर इससे ज़्यादा जीरोज़ होने चाहिए, यहाँ एक भी जीरो नहीं था, यहाँ कम से कम एक हो, फिर फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, फिर यहाँ आपके पास कुछ भी हो सकता है, लास्ट में आपके पास इससे ज़्यादा जीरोज़ इस लाइन में हो, तो यहाँ 2 जीरोज़ हो और फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। तो ये आ गई आपके पास इक्लॉन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की, तो आपने इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, और रॉ ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए करना है जो हमने पीछे सीखा, टू गेट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सिस्टम। फाइनली विद द हेल्प ऑफ फ्री वेरिएबल्स वी गेट नॉन जीरो सोल्यूशन इफ पॉसिबल। फिर हम नॉन जीरो सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। नोट आपसे कह रहे हैं फेक्स बराबर है 0 के, ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ समझ में नहीं आई तो परेशान मत होइएगा, आप एग्जाम्पल समझिएगा, उसके बाद दोबारा इस पर आएंगे ना तो ये बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। वी यूजली कन्वर्ट द मैट्रिक, अच्छा ये हो गया, इफ़ ax इज इक्वल टू 0, अगर ax बराबर है किसके? 0 के, तो होमोजीनियस सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का विथ n अननोन्स। n मतलब आपके पास अगर इक्वेशन 3 अननोन्स की है तो 3 अननोन्स हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं देन इट हैज़ ओनली ट्रैवल सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n, अगर a n के बराबर है, ठीक है, a आपके पास है n के बराबर और a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है a बराबर n के, यानी अननोन्स के बराबर है आपके पास यहाँ पर a। और दूसरे में कह रहे हैं इट हैज़ ट्रैवल एज वेल एज इनफाइनाइटली मैनी नॉन ट्रैवल सोल्यूशन इफ रैंक ए, रैंक जो है आपके पास ए का वो लेस देन एन है। अब क्या कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं रैंक आया है आपके पास मैट्रिक्स का बिलफर्स 3 और अननोन्स भी कितने थे 3, और अगर ये बराबर आ जाए, ए बराबर आ जाए एन के,
तो आपके पास ट्रैवल सॉल्यूशन है। ए बराबर आ जाए एन के, तो ऐसा सॉल्यूशन आपके पास ट्रैवल सॉल्यूशन है। और आपके पास ए आ जाए यानी रैंक आ जाए किससे, लेस देन थ्री जो है वो अननोन्स के, रैंक आ जाए आपके पास टू मैट्रिक्स का, ठीक है, जो कि क्या है, टू इज़ लेस देन थ्री, अननोन से छोटा, रैंक आ जाए अननोन से छोटा यानी अननोन से कम, तो आपके पास ऐसा सॉल्यूशन नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स आपको, और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब एग्जांपल्स आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, होमोजेनियस है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन और फॉर नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन इफ पॉसिबल, नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन फॉलो करने हैं इफ पॉसिबल। अब होमोजेनियस के आपके पास ट्रैवल भी हो सकते हैं सॉल्यूशन और नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ट्रैवल हो भी है नॉन ट्रैवल भी है। जी बिल्कुल, होमोजेनियस इक्वेशन का आपके पास ट्रैवल सॉल्यूशन भी हो सकता है, नॉन ट्रैवल भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसका जो है ना नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन है पॉसिबल है, तो चेक करके बताइए। वी चेंज द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू द मैट्रिक्स फ्रॉम ए एक्स इक्वल टू जीरो के, ए एक्स बराबर है जीरो के, आपने ए कोफिशेंट्स लिख दिए, एक्स वाई जेड जीरो के बराबर है, ए आपके पास ये है, एक्स ये है, जी ओ मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इसे इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए सारे मेथड्स अप्लाई किए, या गए इक्लॉन फॉर्म वन 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 जीरो वन, इससे ज़्यादा जीरोज है, इससे ज़्यादा जीरोज है, यहाँ थर्ड में जीरोज हैं, ठीक है। तो अब आपके पास रैंक आ गया टू, क्योंकि अननोन्स सॉरी एक रॉ तो आपके पास जीरो हो गई, ये आपके पास एक, ये आपके पास एक, ये आ गया आपके पास, रैंक आ गया इस मैट्रिक्स का टू, रैंक टू है, एन थ्री है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, थ्री हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड तीन अननोन्स थे इस इक्वेशन में, ठीक है, थ्री अननोन्स थे, तो एन है थ्री। सिंस रैंक ए इज इक्वल टू टू इज लेस देन थ्री, नंबर ऑफ अननोन से छोटा आ गया है रैंक, सो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, तो इनफाइनाइटली सोल्यूशंस होंगे, मैनी सोल्यूशंस होंगे फ्रॉम सिस्टम ए। अब सिस्टम ए है आपके पास, वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस टू जेड वाई इज इक्वल टू टू जेड। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये जो भी आपके पास आएगी ना इक्वेशन, ठीक है, इसको आपने ले लेना है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, पहला एक्स दूसरा वाई तीसरा जेड, एक्स वाई जेड ऐसे ही था, तो देखिए वन है यहाँ पर। अब इसको आपने वापस इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है, जब इक्लॉन फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखें एक्स ज़ीरो है तो एक्स नहीं है, वाई माइनस टू जेड, और ये तो है ही ज़ीरो, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो जेड भी ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमने वाई की वैल्यू फाइंड की, वाई बराबर आ गया माइनस टू जेड के। अब वाई की वैल्यू आपके पास आ गई टू जेड, ठीक है। तो अब आप इसमें पुट करें, अगर इक्वेशन इसको वन कह लें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस टू जेड प्लस जेड, तो एक्स प्लस थ्री जेड हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स यहीं रहा, ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का थ्री जेड। वी हैव ओनली टू सॉल्यूशंस विद थ्री वेरिएबल्स, अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे तीन वेरिएबल्स के, सो वी टेक वन वेरिएबल एज अ फ्री वेरिएबल, तो अब हम एक को वन वेरिएबल को फ्री वेरिएबल ले लेंगे, तभी हमें पता चल सकेगा कि वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। द वैल्यू ऑफ फ्री वेरिएबल विल बी अज्यूम्ड एज अ नॉन जीरो रियल नंबर, अब हम ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं फ्री वेरिएबल को किसी भी नंबर के इक्वल जो कि नॉन जीरो, देयरफॉर वी कंसिडर जेड इज इक्वल्स टू के, हम जेड को ले रहे हैं के इक्वल, के इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, के जीरो के इक्वल नहीं हो सकता एज फ्री वेरिएबल। बाई यूजिंग अबव इक्वेशन वी गेट वाई इज इक्वल्स टू टू के, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू टू के, जेड को हमने के इक्वल ले लिया, वाई इज इक्वल्स टू टू के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री के, ठीक है, एक्स आ जाएगा माइनस थ्री के, वाई आ गया आपके पास टू के, ठीक है, एंड जेड बराबर है के, और जेड को हमने किसके इक्वल लिया है, लेट किया है के इक्वल, के बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड माइनस जीरो, मतलब रियल नंबर हो सकता है मगर जीरो नहीं हो सकता, माइनस इस तरह से जीरो लिखने का मतलब होता है कि जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आपने समझ लेनी है कि ये किस क्यों इस तरह लिख के दिया गया, बिलोंग करता है रियल नंबर से मगर जीरो एलिमेंट को माइनस कर दिया है उन्होंने, ठीक
ठीक है, इफ़ के इज इक्वल टू वन, अब हम पुट करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। आपने इतना भी आंसर कर दिया तो आपके लिए सही है, क्योंकि आपकी बुक में इतना तक आंसर दिए हुए भी हैं। मगर अब हम कह रहे हैं भाई रियल नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है के, तो अब हम पुट करके देख रहे हैं। पुट के इज इक्वल टू वन, अगर हम के की जगह वन पुट करें तो एक्स हो जाएगा माइनस थ्री, वाई हो जाएगा टू और जेड हो जाएगा वन। अगर हम के की जगह टू पुट करें तो एक्स हो जाएगा माइनस सिक्स, वाई हो जाएगा फोर और जेड हो जाएगा टू एंड सो ऑन। और भी वेरिएबल मतलब कॉन्स्टेंट आप पुट कर सकते हैं नंबर्स, रियल नंबर्स, तो आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस आते जाएंगे, ठीक है। अब हमने कह दिया सो नॉन ट्रेवल सोल्यूशंस आर, अब ये नॉन ट्रेवल सोल्यूशन है, माइनस थ्री टू वन, माइनस सिक्स फोर टू एंड एट के इज इक्वल टू वन एंड के इज इक्वल टू टू रिस्पेक्टिवली। क्लियर, अब आपको बात समझ आ गई यहाँ से कि क्या कहा गया कि इनफाइनाइटली नॉन ट्रेवल सोल्यूशंस कैसे आएंगे आपके पास अगर ए क्या है लेस देन एन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे नेक्स्ट है, अब ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास, डिफाइन अ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। अब आप बताने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, और इसको जो है ना एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है। अब आपके पास कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, तो कंसिस्टेंट सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ वन और मैनी सोल्यूशंस। अब आपके पास वन और मोर सोल्यूशंस कह रहे हैं, आपके पास ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट है जिसके एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हो। अब आपके पास इसका एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, ये आ गया माइनस वन और फाइव पॉइंट टू, यह आ गया एक्स, ये आ गया वाई। अब यह एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, टू एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू ट्वेल्व इज ऑल्सो कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसलिए ये आपके पास आ गया है यहाँ से कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर यूनिक सोल्यूशन आ जाए तब भी कंसिस्टेंट है, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए तब भी आपके पास इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट क्या है, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, अगर सिस्टम की जो इक्वेशन जो है आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसका कोई सोल्यूशन ना हो, इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, तो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू फाइव इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है कोई। सिंपल सोल्यूशन है, यूनिक हो या मैनी सोल्यूशंस हो, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो, कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन ना हो तो इनकंसिस्टेंट है, क्लियर। अब हम कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपने डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन की। अब यह आपके है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब क्या है, तो ये चीज़ अब आपने समझनी है बहुत अच्छे से, इससे आपके पास सवाल भी सॉल्व हुए हुए हैं आपकी बुक में, तो वो भी हमने करने हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स बराबर है बी के, ए एक्स बराबर है किसके, बी के, इज ऑब्टेंड बाय एडिंग कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स एट एज द लास्ट कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। अब हमसे क्या कह रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है आपके पास जिसमें ए एक्स बराबर हो बी के, और आप ऑब्टेन करें क्या करें, ऐड करें कांस्टेंट मैट्रिक्स को, ठीक है, लास्ट कॉलम में। कांस्टेंट मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, लास्ट कॉलम में ऐड करना है। किस तरह करना है, एग्जाम्पल से समझेंगे। अब ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, एंड इट्स डिनोटेड बाय ए बी, और इसको डिनोट करेंगे हम ए बी से। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। अब हमने नॉन होमोजीनियस ले ली लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अब इसको हम आगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स बराबर है बी के। तो ये अब ए एक्स बराबर है बी के, इस इक्वेशन को आपने ए एक्स और बी के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब ये तो आप सीख चुके हैं पहले कि भाई ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉन्स्टेंट टर्म एट द लास्ट कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, आपने ऐड करनी है कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में, किसके, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स के लास्ट में। कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, उसके लास्ट में आपने ये वाली कॉन्स्टेंट जो आपके पास टर्म्स हैं ये आपने कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स ऐड कर ली, ठीक है, ये आपने ऐड कर ली, ये आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इसे आपने नोट कर दिया ए बी से, क्लियर है। ये बस इतनी सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने बनानी है। अब है आपके पास कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर आपके पास रैंक ए का, ठीक है, ए मैट्रिक्स का रैंक रैंक ऑफ ए बी के बराबर आ जाए और ये नंबर ऑफ अननोन्स के भी बराबर हो, तो सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, क्लियर बात।
अगर रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी के, मगर रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. अब आगे इनकंसिस्टेंसी क्राइटेरियन. अब आपके पास इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ही आपस में इक्वल नहीं है, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे. क्लियर? अब यहाँ से कह रहे हैं चेक द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अब आपने चेक करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन जो है, ये आपके पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो ये आपके पास इक्वेशन दी हुई, आपने लिया इसे ए एक्स बराबर है बी के. अब आपने यहाँ पे बनाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ठीक है, चेक करने के लिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी हमने क्या करना होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होती है. अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, यहाँ पे हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स जो आपके पास थी 5, 8, 7, इसको हमने लास्ट में ऐड कर दिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स के. अब हमने इसे चेंज करना है किस में, इकलॉन फॉर्म में. ठीक है, वैसे हम इकलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं. टू रिड्यूस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू इकलॉन फॉर्म टू चेक कंसिस्टेंसी. ठीक है, हम इकलॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये आ गई, ये आपके पास 1 बन गया, ये आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास 0 हो गया. ठीक है, ये 0 हो गया. अब इसे 1 आप बनाने के लिए बना लें. ठीक है, इसे आप 1 बना लें, लेकिन 1 बनाना इसलिए ज़रूरी नहीं है, बुक में भी देखें इसे 1 बनाकर नहीं दिया गया, इसे प्लस 1 कर लिया बट इसे 1 नहीं बना के दिया गया. क्यों? क्योंकि आपके पास इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे 1 बन जाएगा. ठीक है, मगर हमें रैंक चेक करना है, तो रैंक चेक करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए रैंक चेक करना है. तो रैंक देखें आपके पास आ गया 1, 2, 3 आ रहे हैं ना रैंक आपके पास इसका, क्योंकि तीनों रॉस जो हैं वो आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है. अगर लास्ट 0 हो जाती है तो रैंक 2 हो जाता है. अब हमारे पास रैंक ऑफ ए, वी कैन सी रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी का. रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर है 3 का, और ये बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स के. नंबर ऑफ अननोन्स भी क्या थे, आपने देखा 3 थे, एक्स वाई जेड 3 थे, नंबर ऑफ अननोन्स भी आपके पास क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये तीनों आ गए बराबर. सो सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. सिस्टम के यूनिक सोल्यूशन होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट है, इस तरह हम बता सकते हैं. क्लियर है? अब आपके पास आ जाते हैं मजीद क्वेश्चन, मजीद जिन न्यू टॉपिक्स के. सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 3x3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग. अब आपने 3x3 के नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को 4 तरीकों से सॉल्व करना सीखना है. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू, क्रैमर्स रूल के थ्रू, गॉस एलिमिनेशन मेथड, इकलॉन फॉर्म के थ्रू, गॉस जॉर्डन मेथड, रिड्यूस इकलॉन फॉर्म के थ्रू. ठीक है, ये 4 मेथड्स हैं आपके पास जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना इन 4 तरीकों से. एग्जाम में आपके पास ये 4 मेथड्स में से कोई सा भी मेथड आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अपने चारों मेथड को बहुत अच्छे से समझना है. अब मैं एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है. एग्जांपल्स के थ्रू आपको बात तो समझ में आ रही है कि किस तरह से हमें करना है. जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ अब आप लोगों को नहीं समझ आ रहा मेथड, तो मैं सॉल्व भी करवा दूँगी. ठीक है, ये ज़्यादा जो है ना आपके पास ईजी हो जाता है कि आपको बात भी कन्वे हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा नहीं आपका जो है वो लगता. ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. तो पहला मेथड तो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. वी कैन सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी भी अब नॉन होमोजीनियस होगी, ये बात याद रखिएगा, नॉन होमोजीनियस होगी. बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वी हैज द फॉलोइंग स्टेप्स. हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने हैं. राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी है एक्स बराबर है बी के. फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट. इनवर्स फाइंड करें अगर एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा. डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल नहीं आता, तो इट मीन्स कि आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और इनवर्स फाइंड करना आपको अच्छे से पीछे सीख चुके हैं. आप चाहें तो एक बार रिवीजन कर लीजिए अपने इनवर्स का, ताकि आपको यहाँ पर वो मेथड को ना इतना जो है वो सीखना पड़े, वो आप पीछे ही सीख कर आ चुके हों, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं. फाइंड एक्स बाई यूजिंग एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी. और आपने एक्स मालूम करना है ए इनवर्स बी करके. ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं किस तरह से. बड़ा सा ईजी सा जो है ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है. द मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड वर्क्स वैन द गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट इन एंड ऑल्सो हैज़ यूनिक सोल्यूशन. ये जब काम करेगा, जब आपके पास कंसिस्टेंट हो सिस्टम और यूनिक सोल्यूशन हो, क्योंकि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा एंड ऑल्सो हैज़ यूनिक सोल्यूशन. एग्जाम्पल दी गई, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन इफ पॉसिबल. कह रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड के थ्रू हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है इफ पॉसिबल. दिया हुआ है आपको 3 इक्वेजन्स, ए एक्स बराबर है बी के आपने ले लिया. सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये आ गया नॉट इक्वल्स टू 0. सिस्टम जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा.
अब एन वर्ड्स फाइंड करना है, तो एन वर्ड्स फाइंड करने का हमें फॉर्मूला पता है भाई, 1/8 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट तो आपने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड करना 3x3 मैट्रिक्स का आप सीख चुके हैं कि आपने को फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो हमने एडजॉइंट ए, A11, A12, A23, यहाँ पर इन्होंने गलती से जो है ना 1, 3, 1 लिख दिया, 1, 3 आएगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज लेना है। अब हमने तमाम कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करना आप सीख चुके हैं, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला आप याद रखें, Aij बराबर है -1 के एक्सपोनेंट i+j mij। अब m क्या है, माइनर है, माइनर क्या होता है आपके पास कि भाई जो आपके पास रॉ और कॉलम है ना, यहाँ पर आई रॉस को शो करेगा और जे कॉलम को शो करेगा, उसको स्किप करके जो आपके पास बचेगा वो माइनर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने A11, A12, A13 सब फाइंड कर लिए और यहाँ पर इसमें पुट करके इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये आ गया एडजॉइंट। नाउ इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, डिटर्मिनेंट लिखा 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। ठीक है, ये आपके पास, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अंदर, ठीक है, हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब हमें मालूम करना है एक्स, ए इनवर्स आ गया आपके पास, ये ए इनवर्स है, तो एक्स बराबर है ए इनवर्स बी के, क्योंकि यहाँ से हमने लिखा था ए एक्स बराबर है बी के। अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो ए वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स बराबर है ए इनवर्स बी के, ए इनवर्स लिखेंगे बी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स की वैल्यूज x1, x2, x3, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट लिखा, ए इनवर्स लिखा। ठीक है, अब आपके पास डिटर्मिनेंट लिखा, एडजॉइंट लिखा, ये इनवर्स है और यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर बी। ठीक है, अब आपके पास क्या करना है, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, 1/55 एज इट इज़ रखेंगे, पहली रॉ पहले कॉलम से होगी, पहली रॉ पहले कॉलम से, ठीक है, फिर दूसरी रॉ पहले कॉलम से, फिर तीसरी रॉ पहले कॉलम से, यहाँ पर होती गई, अब ये ऐड हो जाएंगे, ये सब होने सिंप्लीफाई होने का ये चीज़ बचेगी, तो ये 1/55 अब आपने अंदर कर भी लिया सिंप्लीफाई, यानी मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास सिस्टम का जो है वो सोल्यूशन आया, x1 = 3 के, x2 = -2 के, x3 = 1 के। ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ से x1 = 3, x2 - 2 एंड x3 = 1 के बराबर इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से आपने सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। ठीक, अब है क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल भी बहुत इजी मेथड है, जिस तरह से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन, अब ये एक लीनियर इक्वेजन दे दिया आपको, ये इन जनरल है, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, नीचे एग्जांपल है वो भी देखेंगे। अब आपने करना क्या होगा, ए एक्स बराबर है बी के, ए एक्स बराबर है बी के, अब आपने ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो देन गो टू द स्टेप टू, अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता तब आप स्टेप टू पे जाएंगे, अदरवाइज द मेथड फेल हो जाएगा। अब आपने A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, A2 का भी डिटर्मिनेंट, A3 का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वेयर A1 क्या है, A1 इज़ द मैट्रिक्स वेयर A1, A2, A3 आपने मिस करने हैं, यानी कि आपने फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप करके उसकी जगह B मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, A2 क्या है, सेकेंड आपने कॉलम स्किप करना है उसकी जगह आपके पास B मैट्रिक्स आ जाएगी, A3 क्या है, थर्ड कॉलम आपने स्किप करना है उसकी जगह कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है किस मेथड के थ्रू, वो आप जानते हैं 3x3 मैट्रिक्स है, तो R1 को एक्सपेंड करके आप फाइंड करेंगे। अब आपके पास एक्स कैसे आएगा, A1/A डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे, वाई कैसे आएगा, A2 को डिटर्मिनेंट को ए से डिवाइड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट से, जेड कैसे आएगा, A3 के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, सिंपली आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और जेड इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्रैमर्स रूल, एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब क्रैमर्स रूल की एग्जांपल आपके पास, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन, अब क्रैमर्स रूल को यूज करते हुए आपने जो है वो यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन को सॉल्व करना है, आपने करना उसी तरह से होता है, ए एक्स बराबर है बी के। ठीक है, वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन टू द मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स बराबर है बी। ठीक, अब ये एक्स बराबर आ गया बी, नाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3। अब आपने मैट्रिक्स बनाई A1 पहले, ठीक है, ए तो सिंपली ये है, A1 में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास बी मैट्रिक्स आपने ऐड कर दी, A2 में आपने A2 की जगह
बी मैट्रिक्स ऐड कर दी, यहाँ ए थ्री में आपने थर्ड जो है वो कॉलम में आपने मैट्रिक्स ऐड कर दी, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह आपने फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसका भी, देन इसका भी। अब आपने क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है फॉर एक्स इज इक्वल टू ए वन डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ए टू डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट वाई के बराबर, और ए थ्री डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट जेड के बराबर। और इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड किया, एक्स आ गया, डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड किया वाई आ गया, डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड किया जेड आ गया। ए वन ए टू ए थ्री को तीनों को आपने ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक्स आ गया, एक्स वाई आ गया एंड जेड आ गया, सिंपल सा ये क्रैमर्स रूल है आपके पास। अब आपके पास आ जाता है थर्ड मैथड, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का गॉस एलिमिनेशन मैथड, इक्लॉन फॉर्म भी कहा जाता है इसे, ठीक है। मैथड में आपके पास क्या है कि आपने स्टार्ट करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड इज एन एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ यूजली अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। द मेथड इज नेम्ड आफ्टर कार्ल फ्रेडरिच गॉस 1777 to 1855। दिस मेथड कैन बी सॉल्व यूज टू सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। आपने कहना है फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये आपके पास स्टेप्स हैं। फर्स्ट है लाइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू द मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स बराबर बी, सबका फर्स्ट स्टेप सेम है। फॉर्म द ऑगमेंटेड, अब आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है बाय इंक्लूडिंग द कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स इन एन एक्स्ट्रा कॉलम इन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड कर देनी है कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पीछे आप बनाना सीख चुके हैं। नाउ देन फिर आपने कन्वर्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू इक्लॉन फॉर्म। अब आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई है आपने उसे इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए। फाइंड एक्स बाय डिटैचिंग द लास्ट कॉलम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन टू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन टू ए एक्स बराबर बी के। अब आपने क्या करना है, आपने लास्ट कॉलम को, ठीक है, बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर चले जाना है, ठीक है। आपने ए एक्स बराबर है बी के वापस लिख लेना है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अब आपने एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यूज़ गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब ये लास्ट वाली जो बात है ना, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आई है या बाकी सभी नहीं समझ आएंगे तो एग्जाम्पल्स के थ्रू तब समझ आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये दी हुई इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आपने इसे राइट करना है। नाउ ये जो आपके पास बी मैट्रिक्स है, अब आपने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। फॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय इंक्लूडिंग द कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स एज एक्स्ट्रा कॉलम इन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आपने ये यहाँ पर कॉलम में ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपके पास है कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। अब कन्वर्टेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू इक्लॉन फॉर्म, ये आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको आपने कन्वर्ट करना है इक्लॉन फॉर्म में। ये आ गई आपके पास इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। अब ये ऑपरेशंस मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि अब आपको आ गए करना, क्योंकि लास्ट में हमने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं लास्ट एक्सरसाइज में। अब आपके पास ये जो वापस आ गए ना, तो अब आपने एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने इसको वापस चाहें तो वापस ए एक्स बराबर है बी के लिख लें, इस तरह लिख लें, ठीक है। अब ए आपके पास है 1 5 2 0 1 -5/4 0 0 1, और ये है आपके पास बी, ये आपके पास क्या है लास्ट कॉलम जो है ये आपके पास है बी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x प्लस 5y + 2z बराबर है 9 के, x है ही नहीं, y 1y लिखने की ज़रूरत नहीं है, y -5/4z बराबर है 3/4 पे, और y x भी नहीं है, y भी नहीं है, z बराबर है 1 के, z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। z की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की, y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब x और y और z की वैल्यू यहाँ पुट करके आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन के सोल्यूशन आ गए, 3 - 3 2 1 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपके पास आ गया, क्लियर। इस तरह से आपने यूज़ करना होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसे इक्लॉन फॉर्म भी कहा जाता है। अब आपके पास लास्ट मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी आपको पता है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास है यहाँ से गॉस जॉर्डन मेथड इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म है गॉस एलिमिनेशन मेथड की, इन विच द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। यूज गॉस जॉर्डन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन।
ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाया गया, इसमें आपके पास वही स्टेप्स हैं जो कि एलिमिनेशन मेथड के थे, ठीक है, कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है, बस आपने यहाँ पर इक्लॉन फॉर्म नहीं बनानी है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर हमने ये एक्स बराबर है बी के कर लिया, नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, आपने कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स को ऐड किया यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में, इसके अंदर आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, अब आपने किया इसे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में चेंज। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट वन, बाकी तमाम जीरो, सेकेंड रॉ में फर्स्ट एलिमेंट वन जीरो की तादाद पहली रॉ से ज़्यादा हो, और ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, फिर थर्ड में पहला एलिमेंट जीरो सॉरी वन, और उसके जो है आपके पास पहले जो सेकंड रॉ है उससे ज़्यादा जीरोज इस रॉ में मौजूद होने चाहिए। तो देखें इसमें वन कोई जीरो नहीं था, इसमें एक है, इसमें दो हैं, और ऊपर भी उसके तमाम जीरोज होने चाहिए। ये आ गए रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। अब आप वापस चाहें तो x बराबर है b के लिख लें, तो x बराबर होगा माइनस थ्री के, y बराबर होगा टू के, और z बराबर होगा वन के। वही आंसर आया है जो इस क्वेश्चन में रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का, जो इक्लॉन फॉर्म से आया था। देखें आपके पास क्वेश्चन सेम थे, नाइन सिक्स माइनस टू, ठीक है। अब देखें अब आप इसे लिखें, इसमें x की जगह 1 है, x आ गया, y की जगह 0, z की जगह 0, बराबर है माइनस थ्री के, x की जगह 0, y की जगह 1, ठीक है 1y, और z की जगह 0। इस तरह से आप अरेंज करें तब भी आपके पास x, y और z जो है वो x 3 के, y 2 के, z 1 के बराबर आ गया। ये आ गया आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी डायरेक्टली गेट x, y, z। हमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म से डायरेक्टली x, y, z मिल गया, हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो गॉस जॉर्डन मेथड हो, गॉस एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों से आंसर्स जो है वो सभी से आंसर सारे जो है आपके पास क्वेश्चन के आंसर जो है वो सेम आएंगे, कोई से भी मेथड से आप करना चाहें करके देख सकते हैं, तो आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाती है इसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इस वीडियो में स्टार्ट नहीं करूँगी मैं, जस्ट यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको बता रही हूँ कि हमें करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर होमोजीनियस सिस्टम लेने को, ट्रैवल नॉन ट्रैवल बताना है आपने, फॉर ट्रैवल सोल्यूशन, ट्रैवल सोल्यूशन के लिए हमें होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी बतानी है होमोजीनियस इक्वेशन की, यहाँ पर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करनी है, या एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, यहाँ पर गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू, और यहाँ पर क्रैमर्स रूल के थ्रू, ठीक है। आपके पास चारों मेथड के थ्रू क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ही जो है ना आपके पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। एक्सरसाइज जो है वो लाजमी आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी लाजमी देखिएगा, इसके बाद इस एक्सरसाइज वीडियो भी देखिएगा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्स में लाजमी इस एक्सरसाइज से कोई एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। बच्चों ने मुझे लास्ट में कमेंट्स रीड कर रही थी, बच्चों ने मुझे कहा मैं साथ साथ एग्जाम्स के हवाले से क्वेश्चंस का भी बताती जाया कीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्सरसाइज आपके पास फोर जो क्वेश्चन है लास्ट के 3, 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती हो इंट्रोडक्शन तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए, ताकि मजीद मैं इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको और अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आए। जब आपके बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो एक्सरसाइज ऐसा लगता है कि आपको पूरी खुद आती है। आप अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से देखी तो आप मेरे क्वेश्चन के यहाँ पर समझाने से पहले ही खुद ही क्वेश्चन को समझ सकते सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं बच्चों को खुद से इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो खुद से एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रटे नहीं कि ट्रैवल मालूम करना है तो ये करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करने से आपको क्या आंसर आ सकता है, गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो तमाम की तमाम आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपके पास आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।